इस वक्त हम उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन ताज भाई के पास मौजूद हैं। जिस तरह से उर्दू की 917 वैकेंसी निकाली गई हैं, तो जाहिर है उर्दू वाले भी इस बात को चाहेंगे, उर्दू एकेडमी वाले के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में मालूम हो। लेकिन कुछ लोगों को अक्सर ये एतराज़ है कि मुसलमान सिर्फ उर्दू ही पढ़ा सकता है। इस बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस वैकेंसी में OBC और SC ST वगैरह भी हैं, इस बारे में थोड़ा ताज भाई जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि खाली उर्दू की बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ये उर्दू अकादमी है तो उर्दू की बात भी कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी पोस्टें निकाली हैं जिसमें खासकर उर्दू वालों के लिए ध्यान रखा, जिसमें 917 वैकेंसी हैं। क्योंकि जो बच्चे दूसरे मुस्लिम समाज के या किसी भी समाज के जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उनको खुद ही मालूम है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें अप्लाई करेंगे, और अब हमारा बताना फ़र्ज बन जाता है कि उर्दू की पोस्ट हैं तो उर्दू वालों को भी बताना चाहिए। तो हमने वही बात कही है कि इसमें स्पेशल 917 पोस्ट उर्दू के लिए हैं, तो इसलिए हमने कहा कि उर्दू वाले भी इसका ध्यान रखें, जिससे कि हमारी ये पोस्ट खाली ना रह जाएं। जो बच्चे जैसे जाहिर है कि उर्दू कोई भी भाई भाषा जो है हिंदुस्तान की है, तो इस उर्दू के जो पहल होगा वो कोई भी भर सकता है, उसमें SC ST भी के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं, उसमें ST और SC के लिए तो स्पेशल वैकेंसी है ही है। अच्छा। और उसके अलावा जो दूसरी जनरल हैं उसमें किसी भी समाज का हो, उर्दू जो जानते हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए कोई मनाही नहीं है। कोई खाली मुसलमानों की जबान थोड़ा ही उर्दू है, उर्दू सभी लोग पढ़ते थे और आज भी बहुत सारे हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ दिल्ली के चुनाव आयोग थे तो उन्होंने उर्दू यहाँ आकर के पढ़ी, और अभी भी मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें उर्दू पढ़ना है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी सेंटर चालू नहीं है, और हम उन लोगों को भी उर्दू जो हमसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम यहाँ बंदोबस्त करेंगे, उनको भी उर्दू पढ़ाएंगे। अच्छा भाई, एक जैसे महिलाओं के लिए खासकर कुछ उम्र बढ़ाई गई है, तो वो कौन से उसमें बढ़ाई है ज़रा बताएँ। मैं दिल्ली सरकार का खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, हम जो है उनसे 15 तारीख को मिले थे, 15 जून को, तो हमने ये बात रखी थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम ठीक है इस पर विचार करते हैं, तो उन्होंने जो है 32 से लेके और 40 साल महिलाओं की उम्र कर दी है। तो मैं दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसमें जो बच्चे बाहर हो रहे थे 32 साल के बाद में, अब उन लोगों में बड़ी खुशी है कि वो 40 साल की एज उसमें हो गई है, तो वो 40 साल वाले भी फार्म भर सकेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ औरतों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं बढ़ाया गया कुछ? जी, अभी औरतों के लिए है, लेडीज़ के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है अभी। अच्छा, जैसे कोरोना चल रहा है, इसमें लॉकडाउन की वजह लोग परेशान हैं, तो आप इसमें जो लोगों के लिए, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि जो अमीर आदमी हैं वो तो अपने, उनका तो अलग है इसके अंदर, और एक जो डाउन आए तो उसमें गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट सभी दे रही हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में उनके लिए भी कुछ स्कीम वगैरह होती? कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर सभी की मदद करने की कोशिश की है, और उसमें बड़ी बात एक ये है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी आधार कार्ड के जरिए उनको भी राशन वितरण किया गया। अब उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी सरकार जो है तरीके से, अलग अलग तरीके से उनकी मदद कर रही है। जैसे दिल्ली के अंदर देखा होगा कि हमारे ऑटो चालक, टैक्सी चालक जो थे उनके लिए सरकार ने एक मुश्त मदद की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोरोना के अंदर जो चपेट में लोग आ गए, उनकी मृत्यु जो हुई उनके लिए सरकार ने बहुत सारा ध्यान रखा है कि जिनके परिवार में कोई नहीं है, कोई उनका पेरेंट्स गया है, तो उनके लिए 2500 रुपये पर महीने का भी रखा है और 50,000 रुपये एक मुश्त भी रखा है। और जो सरकारी अहदेदार जो थे, जैसे हमारे डॉक्टर्स थे, दिल्ली पुलिस के थे, और भी डिपार्टमेंट के जो लोग थे, तो उनको दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी है, जो हिंदुस्तान में या मैं समझता हूँ कि कहीं विदेश में भी इतनी बड़ी राशि नहीं दी, क्योंकि जो गया हुआ इंसान है उसे तो ना सरकार या ना कोई भी वापस नहीं ला सकता, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो सरकार ने ये मदद का सिलसिला जो सोचा है वो बहुत ही एक अहम अच्छा तरीका है, जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो दिल्ली सरकार ने किया है। तो इसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट के जो अंडर लोग आते हैं, जो शायर हैं, पत्रकार हैं, और जो हमारे यहाँ सेंटर चलते थे, तो ये 2 साल से सारा काम
बंद पड़ा है, कोई भी प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने सरकार से गुजारिश की है कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो सरकार ने हमसे जो है वादा किया है कि हम इनका भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, जैसे अब आखिर में जो लोग कोरोना से हवाले से इनसे कैसे अपील करेंगे लोगों से कि अब, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह की अफवाहें या आवाज़ आ रही हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, दिल्ली वालों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इससे जो है होशियार रहना चाहिए। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि मास्क पहन के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें, और जो जो चीज़ें हमें साफ़ सफाई सुथराई हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम इससे, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा बच पाएंगे। देखिए, ये थे ताज मोहम्मद साहब, इन्होंने बताया, बहुत विस्तार रूप से बताया कि किस तरह से उर्दू के हवाले से जो 970 उर्दू की वैकेंसी निकली है, और जाहिर है कि उर्दू अकेडमी उर्दू की बात करती है, और इसके अहल जो भी होगा वो इसमें भर सकता है। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।